गांधी का इस्तीफा इस वक्त कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा दुखदायी सच बन चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलों का पहाड़ राहुल के सिर पर फिर से टूट पड़ा है, कांग्रेस पार्टी के सिर पर टूट पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी का इस्तीफा बल्कि अब इस्तीफा कांग्रेस जेडीएस की तरफ से 11 विधायकों का हो चुका है, जो 10 मुंबई को पहुंच गए हैं। जी हां, 11 से 10 विधायक जो है, 11 में से 10 मुंबई पहुंच चुके हैं, और इसके पीछे कारण है कर्नाटक में कांग्रेस के खेमे में होने वाली लड़ाइयां। इसके पीछे कारण है राहुल गांधी का अपना अध्यक्ष पद से पैर पीछे कर लेना और नए उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी जवाब नहीं देना। चाहते हैं आप कि राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, दोनों ने ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चुप्पी साध रखी है। दोनों का यही मानना है कि वो इसे लेकर अपनी तरफ से राय नहीं रखेंगे, पार्टी इस पर फैसला लेगा, पार्टी का फैसला जो भी होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। कौन होगा नया उत्तराधिकारी, इसके लिए फैसला लिया जाएगा। राहुल ने एक महीने पहले ही, जी हाँ, कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा चुनाव में मिली कड़ी मात के बाद, अमेठी में मिली करारी हार के बाद ही ये फैसला ले लिया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एक महीने का वक्त है, पार्टी नया उत्तराधिकारी चुन ले, जिसे लेकर अब तक नए नाम में कई नाम सामने आए। नाम सामने आया सचिन पायलट का, नाम सामने आया अशोक गहलोत का, नाम सामने आया वोरा का, नाम सामने आया है और भी कई चेहरों का। इन सब के बीच राहुल और सोनिया की चुप्पी और कांग्रेस को बड़ा झटका कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूत पक्ष बन चुका है। खबरें ऐसी आ रही है कि अब बीजेपी का निशाना और बीजेपी का पूरा टारगेट, या यूं कह लीजिए कि लक्ष्य जो है, साउथ की तरफ है, साउथ में अपना राज करने की तरफ है, साउथ में अपना सिक्का जमाने की तरफ है। यानी कि जहां कांग्रेस का राज चला है वायनाड में, जहां राहुल गांधी को बड़ी जीत मिली है, इसके बावजूद कर्नाटक में बीजेपी अपने सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी लगाएगी, यही बातें हो रही है, और कांग्रेस की कमजोरी का जमकर फायदा उठाएगी। राहुल गांधी की जगह पर इस बार कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए, अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए जो नया चेहरा होगा, वो पार्टी को किस तहत आगे बढ़ाएगा, इसे लेकर सवाल हर किसी के सहन में, क्योंकि होने वाला है अगले कुछ सालों में कई चुनाव, विधानसभा चुनाव है अगला लक्ष्य, जिसे लेकर प्रियंका गांधी यूपी को अपने टारगेट बना चुकी है। तो दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में होने वाले चुनाव की, तो इस साल भी चुनाव है, और इस बार कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस की झोली में क्या लगने वाला है, क्या फिर हाथ लगने वाला है, या फिर नए उत्तराधिकारी के हाथ में जीत लगेगी, नया उत्तराधिकारी कांग्रेस के खेमे में जीत का पैगाम लेकर आएगा, ये सवाल हर किसी के जहन में। ऐसे में कर्नाटक की तरफ से ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक झटका है, सोनिया गांधी के लिए झटका है, कहीं ना कहीं सोनिया और राहुल का फैसला लेना और इस पर चुप्पी बनाए रखना इशारा है कि अब कर्नाटक को होने से पहले साउथ में अपनी सरकार को बचाने के लिए बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। देखना होगा अब इस पर क्या खबर आती है। जी हाँ, होटल में ठहराया गया है कर्नाटक के उन 10 विधायकों को जो कि कांग्रेस से, जेडीयू से इस्तीफा देकर अब आगे बढ़ रहे हैं, और भाजपा अध्यक्ष बीजेपी येदियुरप्पा को लेकर अगर बात की जाए, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष को लेकर, तो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है विरोधी पार्टियों में हो रहे घटनाक्रम से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसके पूरे जिम्मेदार कहीं ना कहीं पार्टी के लीडर्स है, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पुराने वरिष्ठ नेताओं में मनमोहन सिंह पर भी सवाल या निशान खड़ा है, पी चिदम्बरम पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका है। अब देखना होगा कर्नाटक में हो रहे इस तरह के मामले पर क्या जवाब आता है पार्टी का, क्योंकि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बुरी तरह से फंस गई है सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस के सदस्य बैठक की नेता है, और इसके लिए अब उन्हें किस तरह से अपने कार्यभार को संभालना है। देखना होगा क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी की मुश्किलों का कारण बन गए हैं, क्या उनका इस्तीफा सोनिया गांधी को मुश्किलों में लेकर आएगा, क्या कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार का सफर अब धीरे धीरे खत्म की कगार पर आ रहा है, ये सभी सवाल बने हुए हैं। तो इस सबके सवाल के जवाब के साथ लौटेंगे आपके बीच अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए देखते रहे SPN 9 न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।